हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड, हम लोग ये सीनियर जी आरब की तैयारी कर रहे हैं और आज जो है हिंदी विधा में जो हिंदी कहानी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी कहानी आज की कहानी है कानो में कंगना। प्रसिद्ध कहानी है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पूरा हम कंप्लीट देख लेते हैं कहानी, और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे इसमें आप नोट कर लीजिएगा। ओके, उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट में इनरोल करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करिए, और इस समय जो ये टाइम है आपके लिए बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। पहली बार चैनल देख रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है हमारे प्रैक्टिस सेट में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को मालूम है अगर करना चाहते हैं तो कर लें। 21 मॉक टेस्ट हैं, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं, और अच्छे से जिस तरीके से NTA नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सेम वही प्रक्रिया है। ओके, आइए देखते हैं हिंदी कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1913 में। ठीक है, कुछ विद्वान इसे पहली कहानी भी मानते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको कहानी को पढ़ूंगी, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना, अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस को से जिनकी जीविका है, निरंतर कांट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूखा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल सुंदर सौरवमय जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। तो ये कहानी का आरंभ है, और पहला पात्र जो है किरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, भले शांत थी, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की जूड़ा से देख रही थी, वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे, किसे एक टक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी, मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी इस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी, मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता रहा, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी, हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन यह वह सस्पंद निश्चेत ज्योति सचमुच भावहीन है, आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं, हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूण अंतर में डूबकर थाहले, मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था, रसाल रस्सी, वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी, जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्तंभ भंगिमा एक मानव अंतर में पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही रहती थी, कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी, आज क्या था, कौन शुभ या शुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी, कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, तो टके के कंगन में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है,
मैंने चटपट उसके कानों में कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी या भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्काल योगी सर की कुटी की तरफ चल दिया, प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे, हर चंदन के पल्लवों की छाया भूल को पर कहाँ मिले। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे बन थे जिनके वृक्षों के समय घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का आनंद यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमृत तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सच सच देवागनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला है। इस कहानी में फ्रेंड जो है बहुत ही सरल प्रेम को दर्शाया गया है, और उसी प्रेम को जब पति जीवन में परिणय किया जाता है तब वह किस तरीके से चलता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसी वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी की टेढ़े, ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसी मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगत माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर की जल तरंगों में स्थिर होना संभव है, कब संभव है। ऋषिकेश पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अप्रूप सुंदर, वह प्रभु मन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं बरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, बरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना की कूल पर पहुंचाती है, कभी जीवन जगत की एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी, कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक या आनंद या शांत सुंदर रमण। इसी वन में एक कुटीर बनाकर योगीश्वर रहते थे, योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के सी चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावंद जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों को की लेखा कहिए, मानो निर्मूल चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बैरोक टोक की हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें इस उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्ष राज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था, पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक था जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ, उसी दिन सब मेरे अध्ययन की पूर्णाहूति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गई, समझ का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव की वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया, वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे, उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गर्ग स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, फिर तुम्हारे किरण तुम्हारे हवाले है, यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोसनों के कोनों पर 2 बूंद निकलकर झांक पड़ी, मैं सहम उठा, क्या उन पर सब बातें विदित थीं, क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतलहरी पर डूब चुकी थी। वह ठहरे नहीं, चल दिया, मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। तो इसमें प्रमुख पात्र जो फ्रेंड है योगीश्वर
और किरण और नरेंद्र, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो गई, हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी, हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, या क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है, यह स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। दो दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, दो क्षण में ही यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई, वहां प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहां जगत का जटिल बंधन पास, कहां से कहां आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन व विसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की माया भी मनोहारता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहां से मिले, मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो, सही है। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए फिरती मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क झूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उसके आलोक की छटापूर जन की सुख स्मृति बन चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यह यूं ही साल दो साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर की पूछ, लक्ष्मी बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस पर प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई, किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं, घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्ट फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकंत रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगीत था, वही हाथों हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये दो दिन के चमकती खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंज गूंज कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में ससंग निरज डाल देता, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी, उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दयाना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंखें मूंदों वल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचल देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था, मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी, त्रिशंकु के स्वर्ग को जाते जाते बीच में टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो, हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी वे रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को ऊपर पुकारता
पुकार उठा। जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांचित करके चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तत्काल तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मकड़े का जाल था, श्रृंगार बक्स में एक छिपकली थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय स्पंद लेटी थी, केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुंह पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकारा, उठो किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की कागली थी। कहाँ है, अभी देखने दो, उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुझ पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ी बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पर याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहां? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। तो फ्रेंड, कैसी लगी ये कहानी कानों में कंगना? बहुत ही रोचक कहानी है। और किस तरीके से एक प्रेम पर्णे में बदल कर किस तरीके से ठुकराया जाता है और कैसी इसमें कहानी दी गई है, इसको यहाँ पे दिया गया है। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।